नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि मंगलवार स्वाति नक्षत्र तुला राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। आज के नक्षत्र स्वामी राहु और राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक बुद्धिमान लोकप्रिय उच्च अभिलाषी न्यायप्रिय और संवेदनशील होते हैं। स्पष्टवादी अद्भुत स्मरण शक्ति वाले सामाजिक और अच्छे तर्कशास्त्र वाले होते हैं। ये स्वतंत्र विचार वाले और क्रोध तथा आवेश में आकर स्वयं की हानि करने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेना होगा। गज केसरी योग होने के बावजूद भी भाग्य की गति धीमी रहेगी। ऊर्जा स्तर ठीक ठाक होने के बावजूद भी कई कार्य योजनाएं अधूरी रह सकती हैं। आर्थिक लाभ से ज़्यादा खर्च की स्थिति संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान से सुखद समाचार मिल सकता है। मित्रों व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृष राशि वाले जातकों को चाहिए कि आज जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। अपनी कार्य योजनाओं में शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक योजना में साझेदारी से लाभ संभव है, फिर भी हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। वित्तीय लेन देन में सावधानी आवश्यक होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं प्रतीत होगा। आपका ऊर्जा स्तर हर एक काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सक्षम होगा। आपकी कार्य योजना में साझेदारी और पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। आकस्मिक लाभ का लालच ना करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। शत्रु परास्त होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। कर्क राशि वाले जातकों को अपनी कार्य योजना में सावधानी आवश्यक होगी। अचानक कोई तब्दीली या प्लानिंग में हेर फेर संभावित है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी सावधान रहना होगा। आपको किसी नए काम पर लगाया जा सकता है जिस विषय पर जानकारी भी आपको नहीं होगी। अधिकारियों की अनुकूलता बनी रहेगी, मगर आपके अधीनस्थ कर्मचारी से विरोध संभावित है। अपने शारीरिक व मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सिंह राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कमर और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। आपके ऊर्जा स्तर और उत्साह में कमी महसूस हो सकती है। व्यावसायिक योजनाओं में यात्रा संभावित है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। वित्तीय निवेश के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ संभावित है। अनजाने भय से मन सशंकित रहेगा। किसी वाद विवाद को टालना लाभदायक रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों को अपने और मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक घबराहट बेचैनी और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। व्यावसायिक योजनाओं के कई अवसर सामने आएंगे जो कि लाभदायक सिद्ध होंगे। बुजुर्ग रिश्तेदारों और अभिभावकों को आपके स्नेह और आवश्यकता की जरूरत महसूस होगी। संतान संबंधी चिंता का माहौल बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में परिश्रम करना होगा। मित्रों व संबंधित रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा।
शत्रु पक्ष से सावधानी अपेक्षित है। मांगलिक कार्यक्रम के लिए समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपके राशि स्वामी छठवें घर में बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है। छद्म भेष में मित्र बने विरोधियों से बचना होगा। साजिश के शिकार हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर अपने अंतर मन की प्रेरणा से लें। अनावश्यक विवाद संभावित है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अभिभावक व रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को भावनात्मक मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। धैर्य के परीक्षा की घड़ी चल रही है। अपने निजी मामलों में दूसरों की सलाह को शामिल करना उचित नहीं होगा। गलत निर्णय संभावित है। व्यावसायिक निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। निवेश में व्यय संभावित है। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। व्यावसायिक योजनाओं में महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जमीन जायदाद और वाहन लेने का योग बना हुआ है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नए निवेश में बैंकों की भूमिका सहयोगी रहेगी। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं में लगे रहें, सफल रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। संबंधित मामले में यात्रा संभावित है। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो विभागीय मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। उच्च अधिकारियों की बैठक संभावित है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अपने भावनात्मक पहलू को नज़रअंदाज करना उचित नहीं होगा। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों में प्रस्ताव अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक मामलों में आपका कुशल नेतृत्व सफलता दिलाएगा। आपका कार्य ऊर्जा स्तर हर पेचीदे काम को निपटाने में सफल रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास करना होगा। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विरोधियों से सावधान रहना होगा। काम में रुकावट संभावित है। मीन राशि वाले जातकों को व्यावसायिक मामलों में साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी अत्यधिक सावधान रहना होगा। जहां अधिक परिश्रम आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, वहीं व्यावसायिक मामलों में भी अधिक जोखिम उचित नहीं होगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। अपनी योजनाओं को किसी से शेयर ना करें। आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।